स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज आपको बताऊंगा होंडा कंपनी का ड्रीम बाइक है, इसका क्लच पूरा सिस्टम असेंबली करके दिखाऊंगा। और इसका प्रॉब्लम हुआ था ये स्प्रिंग का वीडियो अलग से बनाया। अगर आप देखना चाहते हैं गियर प्रॉब्लम, गियर परेशानी होता है, तो मेरा अगला वीडियो में जाइए उसको मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा इसको असेंबली करके। इसका प्रॉब्लम हुआ था सिर्फ स्प्रिंग का, क्लच प्लेट ठीक था। तो मैं आप लोगों के लिए सोचा ये क्लच हाउसिंग का वीडियो बना दूँ, तो चलो मैं बनाता हूँ। ये थोड़ा हिलेगा क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग है गार्ड यही पंपिंग करता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको इस तरह से लगा दिया और एक वॉशर है, देखो एकदम बिल्कुल ठीक है। और इसका किस सिस्टम से रहता है देखो। तो दोस्तों इसका मार्किंग है क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मार्किंग आपको दिखाई दे रहा है और इसका ये मार्किंग देखो, दो मार्किंग है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों मार्किंग को मुझे सेटिंग करना है और ये अपने आप बैठ जाएगा। तो चलो मैं अब इसे लगाता हूँ। वॉशर हो गया, अब मैं इसे यहाँ लगाता हूँ। टेर लग गया, ये वॉशर होगा और ये नाट है। इसका पैच सोजा है, उल्टा पैच नहीं है, बिल्कुल सोजा पैच है। चलो अभी इसमें सेटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो मैं इस नाट को टाइट दे देता हूँ और पुलर लगाने से ये बिल्कुल टाइट हो गया, ठीक है। इसको आपको खेल के दिखाना पड़ेगा खेल रहा है कि नहीं। देखो मैंने बाइक को गियर में रखा है और ये घूमता है, हाउसिंग नहीं घूमता है तब ये ठीक है। इसके चारों स्प्रिंग है हाउसिंग का और 10 नंबर बोल्ट लगेगा, 4 बोल्ट। तो पूरा इस नट को टाइट कर दिया और हाउसिंग बॉडी पूरा सेटिंग हो गया। अब बैलेंसर सेटिंग करते हैं। तो इस बैलेंसर का दोस्तों इस चीज़ का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्रैंक को थोड़ा भारी करने के लिए दिया है। इसमें सिर्फ नाट देने से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ये जो भारी चीज़ दिया है इसीलिए इसका नाम है बैलेंसर। तो इसके कारण जो बाइक है पिकअप ठीक से आएगा और ये बाइक का जो वेट है इंजन का थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये बैलेंसर देने से अच्छा होता है, ख़राब ही नहीं। तो काफ़ी सारे बाइक में ये बैलेंसर लगा रहता है और कोई कोई बाइक में नहीं लगा रहता है। तो दोस्तों इसका अलग से गुट्ठी रहता है, लेकिन मैं इसी गुट्ठी से काम कर लूँगा। बस टाइट हो चुकी है, इसका पैकिंग वगैरह है। पैकिंग मुझे इस पार देना पड़ेगा और 2 बोल्ट है 10 नंबर, इसे लगा देता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा बाइक आया है क्लच प्लेट चेंज करने के लिए, तो मैं कुछ को आपको टिप्स दे रहा हूँ। क्लच प्लेट अगर कट जाए तो आप लोग लोकल क्लच प्लेट मत लगाइए, क्योंकि बाइक का जो पिकअप होती है और बाइक ताकत मिलती है पूरा क्लच प्लेट से होती है। तो जब भी आप क्लच प्लेट लगाइए, अगर सेंटर हॉब्स ख़राब रहे तो उसे पूरा आप सेंट लगाइए, तब जाके आपका बाइक का जो पिकअप है टांग सकती है वो ठीक से आएगा। तो यहाँ हॉफ से सेंटर है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये चारों चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपका बाइक का पूरी अच्छी तरह से पिकअप आएगा। चलो चेंबर को लगाते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह से क्लच प्लेट चेंज करते हैं और क्लच होजिंग, क्लच चेंबर सेटिंग करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।